जो भगवद गीता हमें कई होटलों के रूम में मिलती है, जेल में मिलती है, उसका बहुत कम लोगों को यहां अनुभव होगा, पर पता तो है। और जिस गीता की कसम अदालत में खाई जाती है, कितनी बार सिनेमा में तो हमने देखा होगा, जरूर देखा होगा, तो उस गीता में क्या है? ऐसा कौन सा परम सत्य है कि जिसकी साक्षी से अदालत से भी तुम सत्य कहते हो तो ऐसा स्वीकार करती है? ऐसा कौन सा परम सत्य है, ये समझने के लिए इस साल हम गीता की माता की गोद में आ गए हैं। संजय उवाच। संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य। आचार्यमुपसंगम्य। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्यैतां पांडुपुत्राणां। पश्यैतां पांडुपुत्राणां। आचार्य महतीं च मूं। आचार्य महतीं च मूं। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण। तव शिष्येण धीमता। तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से हुई। कल देखा वैसे हुई स्पिरिचुअली ब्लाइंड, नीड्स गीता दृष्टि द मोस्ट। यू ऑल आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। मिथ्यात्व से जो पीड़ित है उसे श्री कृष्ण के बोध द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अतः धृतराष्ट्र से भगवद गीता की शुरुआत की। 700 श्लोक में से एक ही श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से है। चार पात्र में से एक पात्र ने तो आज विदाई ले ली। अब तीन बचे, संजय, अर्जुन और भगवान उवाच। तो अब आरंभ हो रहा है संजय उवाच। दुर्योधन को गीता में बोलने नहीं दिया गया है, धृतराष्ट्र को बोलने दिया क्योंकि वह प्रयोजन था, वरना किसी दुष्ट को बोलने नहीं दिया है। जिज्ञासु बोल सकते हैं या सम्यक दृष्टि बोल सकते हैं। सम्यक दृष्टि यानी भगवान श्री कृष्ण, जिज्ञासु, आत्मार्थी, मुमुक्षु और अर्जुन, इन दोनों के अलावा किसी से नहीं बुलवाया गया है। ये बोध मेरे लिए है कि बेकार लोगों को प्रश्न करने देना नहीं। मुमुक्षु हो उनके ही प्रश्न सुनना और उसे ही उत्तर देना। ये बोध मेरे वास्ते है, तुम्हारे वास्ते नहीं। तो संजय उवाच। अब संजय, कल जैसा कि हमने देखा कि व्यास जी ने संजय के आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे क्लेयरवॉयंस या दूरदर्शन, दूर श्रवण की
शक्ति प्राप्त हुई वह भी मात्र महाभारत के युद्ध पर्याप्त ही सीमित थी। अल्प अवधि के लिए अवधि ज्ञान की प्राप्ति उन्हें करवाई गई थी। इस प्रकार का एक सिनेरियो था कि जिसके कारण वे देख पाए, सुन पाए और रनिंग कमेंट्री देकर धृतराष्ट्र को बता पाए। वह भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी एक्सटर्नली वॉट एवर इज हैपनिंग एट द बैटलफील्ड ऑन द बैटलफील्ड, और इंटरनली भी हर एक के मन में क्या भाव है, यानी अर्जुन चुप है पर उसके भीतर में कोई संकल्प विकल्प चलते रहे हों, ये बात भी संजय को पता चले और वो धृतराष्ट्र को बताएं। ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने की इच्छा व्यास जी की धृतराष्ट्र के लिए थी कि अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारी कुंडली जागृत करके तुम्हारा ही आज्ञा चक्र ऐसा एक्टिवेट करूं जिसके फलस्वरूप तुम जान पाओ। पर मलिन आत्मा के जब तक निम्न चक्र एक्टिवेट ना हुए हों तो डायरेक्टली आज्ञा चक्र नहीं होता, पर संजय के अन्य सभी चक्र ऑलरेडी एक्टिवेट थे अतः उससे यह दृष्टि प्राप्त होती है। यानी चाहे ज्ञानी पुरुषों की कितनी ही करुणा हो पर उपादान निमित्त का विज्ञान ही ऐसा है कि जिसका उपादान तैयार ना हुआ हो तो कार्य में कल्याणकारक सफलता मिलती नहीं है। इस उपादान निमित्त की संधि में धृतराष्ट्र का उपादान तैयार हुआ नहीं है, उसका पुण्योदय पक्का है कि उसे रनिंग कमेंट्री मिल सके, पर उपादान तैयार नहीं है अतः उसे दर्शन होते नहीं है। और बल्कि हम कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि अगर मेरे पुत्र की हत्या होने वाली हो तो वो मैं क्यों देखूं। उत्सुकता है, जिज्ञासा है जिसके कारण सुनने की इच्छा होती है, पर खून में डूबे हुए अपने पुत्रों को देखना नहीं है। तो संजय उवाच, अब संजय दुर्योधन क्या करते हैं, क्योंकि उसे तो रणभूमि में क्या हो रहा है वह बताना है, पर उनका फोकस पर अभी उनका कैमरा शायद दुर्योधन की ओर है। उस वक्त और सभी भी कुछ ना करते तो कुछ करते ही होंगे, फ्रोजन होंगे एकदम, कुछ ना कुछ तो करते, पर उसका कैमरा उस वक्त दुर्योधन की ओर, क्योंकि अगर सर्वज्ञ होता तो सब एक साथ जान पाता, पर अभी ये क्षयोपशम ज्ञान है अतः जहां फोकस करे, जितना फोकस करे और जब फोकस करे तभी ज्ञात होता है। जहां, जितना और जब, चैनल ऑन करके और वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या मौसम है, वह चैनल ऑन करके वहां फोकस करे तब जान पाता है। उसे जो दिखता है वह धृतराष्ट्र को बताता है। अब दो श्लोक में वहां पर दुर्योधन क्या कर रहा है वह बताते हैं। संजय बोले, उस वक्त, उस टाइम पे राजा दुर्योधन ने व्यू में अच्छे से सजी पांडवों की सेना देख द्रोणाचार्य के समीप जाकर यह वचन कहे। यह वचन यानी जो तीसरे श्लोक में आता है, दुर्योधन पराक्रमी तो है वरना मात्र छल कपट करके राज्य छीनने की कोशिश करता। वह पराक्रमी है और युद्ध करने वास्ते तैयार भी है, वह वीर तो है पर साथ ही उसके पक्ष में असत है, और जिसके पक्ष में असत होता है वह भयभीत तो होता ही है, और जो भयभीत होता है उसे स्वयं पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वह कितना ही बड़प्पन दिखाए। देखो, दुर्योधन का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इज ऑपोजिट। वह आगे के श्लोक में कहेगा कि अपनी सेना में तो ऐसा है, हम अवश्य जीतेंगे, हम सब पर्याप्त हैं, सब कुछ बोलता है, पर गहराई में उसके सबकॉन्शियस माइंड में देयर इज फियर, एंड दैट साइकोलॉजिकल फियर यहां हम देख पाते हैं। देखो, जब तुम किसी का नाम तो नहीं बताता पर फर्स्ट रैंकर हो या सेकंड रैंकर हो तुम स्कूल में, तब तुम्हें अधिकतम चिंता यह होती है कि उसने कितना अभ्यास किया। स्वयं को पढ़ाना तो अनलिमिटेड होता है, तुम रिवीजन एक बार, दो बार, चार बार, 400 बार भी कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर समझो कि मैं और अमित कॉम्पिटिटर हूँ, यानी कभी वह फर्स्ट रैंक लाता है, कभी मैं फर्स्ट रैंक लाता हूँ, समझो ऐसा कुछ हो, तो मुझे मात्र उसकी ओर दृष्टि रखनी है, 42 की ओर देखना नहीं है। जो 42 सेकंड रैंक वाला है उसकी ओर तो देखने की जरूरत ही नहीं है,
पर मुझे ये इंक्विजिटिवनेस तो अवश्य होती है कि उसने कितनी बार रिविजन किया। अगर उसने दो बार किया तो मेरा तीन बार ऑलरेडी हो चुका है, तो आई एम सेफ। पर उसने तीन बार या चार बार किया हो, एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि वह सही उत्तर दे, एंड वी ऑलरेडी नो कि वह गलत ही बताएगा। पर सी दैट सिचुएशन, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ फियर, यू डोंट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू, योर फोकस इज ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज रादर ऑन योर ओपोनेंट। उसे अंदर से भीतर में भय है, उसके पक्ष में सत्य नहीं है वह भी उसे ज्ञात है, उसके पक्ष में धर्म नहीं है वह भी ज्ञात है, उसके पक्ष में श्री कृष्ण नहीं है वह भी जानता है, खुद के पक्ष में लोभ और कपट है वह भी पता है। तो गहराई में तो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड चाहे कितना ही ब्लाबला करता हो, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो तुम कुछ गलत करते ही नहीं हो, कभी किया ही नहीं है। और उसे चाहे कितना भी छुपा लिया हो, पर अंदर से भीतर से तो तुम्हें गिल्ट कहो या कॉन्शियस बाइटिंग कहो, जो कुछ भी कहो, दैट ही हैज ऑलरेडी बिकम अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, ही इज इन अ स्टेट ऑफ फियर। सो दैट इनक्विजिटिवनेस इज देयर इन हिम, दैट पांडवों की सेना कितनी मजबूत है। सी दे डोंट नो तुमने किसके साथ ट्रीटी की है और तुम एग्जैक्टली कितने लोग हो, वह सब वह स्पाइस कितने रिपोर्ट लाता है वही, पर बाकी का कोई फॉर्मल कहीं न्यूज़पेपर पर लिखा नहीं था कि इनके पक्ष में इतने लोग हैं या इतने लोग हैं आए थे। तुमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा होगा कि अंत में ही पता चलता है कि कौन किसकी टीम में है, अंदर अंदर में ये सब ट्रीटी कर लेते हैं, अगर लड़ाई हुई तो तुम हमारे पक्ष में रहना, मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं रहूंगा आदि आदि, पता चलता है युद्ध के मैदान में। सो दुर्योधन इज मोर इंक्विजिटिव, नॉट अर्जुन, नॉट युधिष्ठिर, नॉट भीम, कृष्ण का तो सवाल ही नहीं है, एंड इवन दृष्टिदूम हु इज द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ पांडवाज आर्मी, वह भी नहीं, क्योंकि कृष्ण है फिर अपनी शक्ति देखने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु साथ में है फिर मुझे समझ में आएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा जो वह देखे, वह कौरव पांडव नहीं। अगर परम शक्ति तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं की शक्ति की ओर देखना ही नहीं है, उन लोगों से स्टार्ट करना चाहिए ना, कि अर्जुन को कैसा भय था, कैसी इंक्विजिटिवनेस थी, किसी को कुछ। पांडवास कैंप इज वेरी काम, बट ऑन द अदर साइड कौरवास कैंप इज साइकोलॉजिकल फियर के कारण। ये एग्जैक्टली कैसी स्थिति है पता है? तुम लोग अंतिम पल तक परीक्षा के वक्त स्कूल या कॉलेज, कॉलेज नहीं स्कूल ही कहूं ना, 9th-10th में जब तुम थे, उन दिनों का स्मरण करो, और तुम अंतिम मिनट तक पढ़ते हो, वह भी खास तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैथ्स में लास्ट मिनट तक नहीं देखते, लास्ट मिनट तक देखो तो और डिप्रेस्ड हो जाओगे, जो होगा देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि में लास्ट मिनट तक में जो पढ़ा है वही पेपर में आता है और आपका काम हो जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर आदि है तो लास्ट मिनट तक यू आर स्टडिंग, यू आर टेंस्ड बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली यू आर रेडी ऑल्सो, या जो बिल्कुल रेडी ना हो वह टेंस नहीं होता, और जो बिल्कुल रेडी हो वह भी टेंस नहीं होता। पर जिन्हें लगता है कि काश अभी थोड़ा समय और मिल जाता तो परफेक्ट कर लेते हैं, वह थोड़ा टेंस रहता है। देखो ये मनोस्थिति की बात कर रहा हूं। नाउ यू आर बीइंग टोल्ड टू क्विट नाउ, यानी अपनी सब बुक्स छोड़कर एंड सिट इन योर, तुम्हारी जो भी सीट है तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में वहां बैठ जाओ। अभी परीक्षा पेपर आया नहीं है, क्वेश्चन पेपर आने के बाद कोई एकदम टेंस्ड हो जाते हैं और कोई एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। लल्लू पेपर है, बच्चू पेपर है। मैं मिडिल स्टेज की बात कर रहा हूं, अभी बुक्स रख दी गई हैं और क्वेश्चन पेपर आए नहीं है, उस समय सब कितने भयंकर टेंस्ड होते हैं, भयंकर। फर्स्ट रैंकर भी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है, इजी पेपर होगा या नहीं, उसे बहुत ईजी भी नहीं चाहिए, सबको आ जाए ऐसा भी नहीं चाहिए। जाने कितने संकल्प विकल्प उसके मन में चलते हैं, यू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता हो कि इसकी तैयारी नहीं हुई है, इसकी तैयारी हुई है, इसका यह है, इसका वह है। मैं जब बीए का एग्जाम देने के लिए उस्मानिया हैदराबाद गया था, तब 30 पेपर्स टुगेदर आई हैड टू गिव, ऑल फाइव ईयर, 5x6 30 पेपर, एवरी डे वन पेपर, तीन तीन घंटों का। और मैं इतना रिलैक्स रहता था क्योंकि 30 पेपर्स आई हैड टू गिव एंड आई हैड 2 मंथ्स टू स्टडी। रमन भाई ने मुझे अल्टीमेटम दिया था, योर ग्रैंड फादर, कि यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग बिकॉज यू हैव जस्ट पास 10th स्टैंडर्ड, और तुम्हारा वह हाल मनोरथ, वह क्या
गजावगर ने हाल मनोरथ रूप जो तुम्हें पीएचडी करना है एंड यू आर जस्ट 10th पास, यू जस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर। सुरेंद्र भाई थे साथ में, उन्हें पता है, यू जस्ट गो अवे, 5 साल बीए, 2 साल एमए के, 1.5 साल एमफिल के, उसके बाद आना, और तब तक मैं रहूंगा या नहीं वह भी पता नहीं है। सो 5+2+2, तब तक मैं रहूंगा या नहीं, रिटायर हो जाऊंगा यानी यूनिवर्सिटी में। मुझे तो शांति हुई क्योंकि मुझे तो वही चाहिए था, मुझे तो पढ़ना ही नहीं था, पर जो भी हरी इच्छा होगी। कि फाइनली हैदराबाद जून 1990 से तो मैं एनरोल हुआ और आई थिंक अगस्त लास्ट वीक से तो परीक्षा थी। सो 2 months and 30 papers, एक पेपर की एक बुक तो रहती है या नहीं, या किसी पेपर की आधी बुक होगी, किसी पेपर की 2 बुक या 3 होती थी। मुझे स्मरण है कि मेरी डेस्क की जगह कम करने के कारण एक पाटा रखी थी, उस पर पुस्तकों का ढेर था, पुस्तकों का। इतना कम समय था, रोज एक पुस्तक हाथ में ले लेता था, जितना पढ़ पाऊं उतना पढ़ता था, चाहे जितना ग्रहण धारण हो, फिर वापस हो तो उस बुक को परीक्षा के दिन ही उठाता था। इसलिए मैंने सोचा कि 2 महीने में करना है और जस्ट पास हो जाऊं तो भी ठीक था। तो हमारे विजय भाई रूपाणी कहने लगे कि धर्म मर्म का बजे वो नगारा, आपको फर्स्ट आना ही चाहिए। अब इसमें धर्म और मर्म और नगारा कहां से आया, ये क्या युद्ध का क्षेत्र था? अपना भी जरा कुछ जो भी दुर्योधन जैसा था, और द्रोणाचार्य ने उसे उत्तेजित किया, वैसे मुझे भी किया, तो मेरा भी पढ़ाई में मन लगने लगा। तब भी मैं मेरी पूरी साधना आदि सब करता था, मेरा स्वाध्याय, मेरा ध्यान, सुबह की भक्ति, मॉर्निंग वॉक भी करता था मैं उस समय में। और मैंने पहले ही सोच लिया था कि 10 ईयर्स के पेपर को स्टडी करो, उसमें से कई बातें समझ में आती हैं कि ये प्रश्न ऑल्टरनेट ईयर में ही पूछते हैं, तो इस साल में नहीं पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस 1/3 करूं तो ही कुछ हो पाएगा, वरना सब करने जाऊं तो कुछ होने वाला नहीं है। अंततः पहले 15 दिन तो सब स्टडी करने में ही व्यतीत किए, तब जाके सब पूरा कर पाया। फिर जब यूनिवर्सिटी में जाता था तो मुझे भी थोड़ी बहुत करुणा तो होती है ना, कृपालु का अनुयायी हूं तो थोड़ी बहुत करुणा आती है, तो सबको टेंस देखकर कहता था कि आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू कम दिस ईयर, दिस माइट कम ही कहता था, और वही पूछते थे। तुम लोगों को कोई संदेह ना हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, पर औरों को तो संदेह होता था कि ये नहीं आएगा कहता है तो नहीं आता, और आएगा कहता है तो आता ही है, लगभग कहता हूं लगभग, तो उन्हें लगता था कि इसे पेपर मिलते होंगे। 3 से 6 बजे तक पेपर होता था, मैं 1 बजे भोजन के लिए जाता था, अपने एक मुमुक्षु थे उनके वहां भोजन लेकर वहां जाता था, तो अपूर्व अवसर आत्मसिद्धि बोलते बोलते चलता जाता था। एग्जामिनेशन कैंपस में 2 बजे तक पहुंचता था, 3 बजे का पेपर था, नेक्स्ट डे तो वहां भीड़ जम गई। वे कहने लगे कि तुम अगले दिन ही बता दो कि हम कितनी पढ़ाई करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दैट फेज, कि एग्जामिनेशन हॉल हो या बैटलफील्ड हो, यहां अभी वॉर स्टार्ट हुई नहीं और वॉर की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता, नाउ यू हैव टू जस्ट बी रेडी फॉर वॉर। दैट इज द टाइम कि जो बहुत ही उत्साही हो या बहुत ही एम्बिशियस हो वह ज्यादा टेंस दिखता है, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ आवर दुर्योधना। दुर्योधन ऐसी स्थिति में है, ही सो टेंस्ड, एंड इन दिस टेंशन ही एग्जैक्टली वॉन्ट्स टू नो दैट पांडवों की शक्ति, पांडवों का टैलेंट, पांडवों की आर्मी एग्जैक्टली कैसी है, वह स्टडी करना था। अंततः उस वक्त राजा दुर्योधन व्यू में रची गई पांडवों की सेना, व्यू में यानी उसकी प्रॉपर रचना हुई थी, तुम जहां मर्जी खड़े हो वहां नहीं खड़े रहते, ठीक से लाइन में दर्शन के लिए खड़े रहते हो तो बैटल फील्ड में तो ठीक से ही। कल ही मैंने दोनों की व्यू रचना के बारे में बताया था, उसमें 18 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें से एक कितनी थी वे आगे स्टडी करेंगे, उसमें से 11 एक ओर और 7 दूसरी ओर, वह भी उन्हें बैटलफील्ड पर ही पता चलता है, दे डोंट नो कि सामने कितनी है। अब उस ओर 7 और इस ओर 11, और 11वें में कमांडर ऑफ चीफ वॉज भीष्म पितामह, और उन्हें इसकी रचना करनी थी, हाउ टू ऑर्गेनाइज, पूरी मिलिट्री आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज करनी है वह उन्हें तय करना था। उन्होंने ईगल शेप में विद विंग्स वाइड अपार्ट ओपन ऐसे पूरी रचना की, यानी कि ईगल शेप की तरह ईगल।
तो ईगल की शेप में जब संख्या ज्यादा होती है तब आर्मी को फैला देना चाहिए, और ईगल शेप में उसका मुख कभी भी बदला जा सकता है। ईगल का मुख होता है ना आगे होता है, अतः एट द टिप इट इज वेरी बहुत छोटा होता है। उसे इस ओर फोकस करना है या उस ओर फोकस करना है या इस ओर फोकस करना है तो उस ओर कर सके। ऐसी सेना पर हमला करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हें लगे यहाँ कम है और सडनली इट टर्न्स द फेस। जैसे पक्षी अपना मुख टर्न कर सके ना, वैसे तत्काल, जैसे बस आज ही सब स्टोरी आदि है, कल से तो विषाद ही है। अतः दिस मॉर्निंग इज ओनली इंटरेस्टिंग और बोरिंग मॉर्निंग। अब नेक्स्ट अध्याय में तो ओनली फिलॉसफी, बट ये सिनेरियो समझने लायक है कि भय कैसे उत्पन्न होता है। यानी ईगल की रचना है तब भी पांडवों में से कोई भयभीत नहीं है, पूरी सेना फैली हुई है। सी विंग्स अपार्ट है तो ऐसे फैली हुई है सेना। दूसरी ओर वज्र जैसी है, यानी ऐसे और ऐसे। वज्र यानी पॉइंटेड है, नुकीली है। ये देखकर दुर्योधन कहता है, हे संजय। उस वक्त संजय ने कहा, उस वक्त राजा दुर्योधन व्यूह में रची हुई पांडवों की सेना देखने के बाद, उसने दूर से देखी होगी सेना की रचना, देखकर जो दृष्टिदुम ने की थी वह देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है। दो चीज यहां समझने की जरूरत है। एक, राजा दुर्योधन, तुम आगे देखोगे तो कोई विशेषण नहीं है, कोई डेजिग्नेशन भी नहीं है। भीम तो भीम कहेगा, अर्जुन तो अर्जुन कहेगा। यहां राजा दुर्योधन कहा है तो उसे राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्योंकि आगे कहता है, हे गुरुदेव, उसके गुरु थे। इसके दो अर्थ होते हैं। एक, सी द एरोगेंस ऑफ दुर्योधन। तुम अपने गुरु के पास जाते समय अपना अखड़पन साथ लेकर जाओगे, तुम्हारे 700 करोड़ रुपए का गुमान साथ लेकर जाओगे, या तुम दीन शिष्य होकर जाओगे। क्यों, किसी ने 700 करोड़ में हर्ष ही नहीं दिखाया? 7 करोड़, कुछ भी, तुम प्रमुख हो तो प्रमुख की अदा से, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं। और ऐसे गुरु के पास जाने की बात है, तुम धीरू भाई के पास ऐसे जाओ, आई अंडरस्टैंड। पर गुरु के पास जाते समय हम भक्त होकर जाते हैं, शिष्य होकर जाते हैं। इनफैक्ट जैनों की तो ये रस्म रही है कि मुकुट आदि पहना हो तो निकाल कर जाना होता है, तलवार आदि। यू आर जस्ट दीन शिष्य, भक्त, अनुयायी। तुम्हारे किसी लक्ष्मी, अधिकार, परिवार के गर्व के साथ नहीं जाओगे। तो कोई भी गुरु के पास जाए तब राजा नहीं होता, भक्त होता है। पर अपने दुर्योधन को कोई विनय जताना आता नहीं, वह बड़प्पन के साथ जाता है, यह सिग्निफाई करने के लिए राजा दुर्योधन। वह राजा के रुआब के साथ गया है और वह टॉन्ट मारता है। जब तुम्हारी बुद्धि हीन हो जाती है तब तुम गुरु के साथ भी टॉन्टिंगली बात करते हो। ये बात यहां समझाई है कि जब तुम मिथ्यात्व के पुतले हो जाते हो तब तुम गुरु के प्रति कैसे भाव करोगे। ये बात भी गर्भित रूप से यहां पर आई है। मिथ्यात्व के वश में हो गए हो तो तुम अपूर्ण रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिथ्यात्व के वश में हो गए हो तो कैसी अनंतानुबंधी प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, यह दूसरे तीसरे श्लोक में समझाया है। यह राजा दुर्योधन, एक अर्थ ये है, या संजय धृतराष्ट्र से बात करते हैं, टू फ्लैटर धृतराष्ट्र योर सन इज राजा। क्योंकि इस अर्थ से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि संजय बहुत सात्विक व्यक्ति थे। पार्शियल तो है ये, आगे तुम्हें महसूस होगा 17वें श्लोक में, 19वें श्लोक में पता चल जाएगा कि संजय भी इम्पार्शल तो नहीं है। ही इज पार्शल टुवर्ड्स पांडवास। पांडवों की कोई भी बात आएगी तो अरे पांडवों ने तो ऐसा किया, उन लोगों के हृदय कट गए। नो, द वे इट इज एक्सप्रेस्ड इट इज नॉट रॉन्ग, बट द वे इट इज एक्सप्रेस्ड कि कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को खलास कर दिया, ऐसा भी कह सकता था कि हरा दिया था, ऐसा भी बोल सकते थे, और थोड़ी सीट के लिए कांग्रेस जीत गया, ऐसे भी कह सकते हो। एक्सप्रेसिंग, ऐसे खत्म कर दिया, ऐसे कहो तो ऐसे शब्द, पांडवों का कुछ अच्छा हो तो संजय कहता था। अपने प्रेस रिपोर्टर देखो, हमें अखबार पढ़ते ही पता चलता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इसके फेवर में है या अगेंस्ट में है। और कौन सा अखबार है? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस वाले इसका फेवर में, अगेंस्ट में। हमें उनके किसी भी रिपोर्टिंग पर से उनकी, उन लोगों की मनोस्थिति का पता चलता है। चाहे रिपोर्टिंग तो एक सी ही होती है, पर एकाध विशेषण से पता चल जाता है कि वे लोग इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं।
बात ठीक लगती है? तो संजय ये फ्लैटर करने के हेतु कहता है, पर अब क्या, उसे तो जो दिखे, ही सींग द एरोगेंस ऑफ दुर्योधन द वे ही स्टैंड्स, ऐसी मुद्रा में खड़ा होता है, राजा की अदा से खड़ा होता है, विनयपूर्वक नहीं बोलता था, मुझे लगता है बैठे बैठे ही बोलता होगा, उसकी जो एरोगेंस है, जैसे मैं राजा हूं और तुम अभी मेरी आर्मी में हो, यू आर अंडर मी, यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर मी एज आई से और एज आई विश, ऐसी फीलिंग उसमें है, एटलीस्ट उसके हृदय में है, यह बताने के लिए उसे राजा दुर्योधन कहा है। संजय ने कहा, उस वक्त राजा दुर्योधन ने घबराहट में वहां उस व्यू में रची हुई पांडवों की सेना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने यह वचन कहे, कमांडर इन चीफ कौन है? तो द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? बहुत सारे हैं। किचन के हेड कौन है? तो तुम महेश भाई के पास क्यों गए? किचन का कोई प्रॉब्लम हो तो किचन का हेड कौन है? तो महेश भाई के पास क्यों गए? कुछ तुम्हारे भीतर ऐसा है कि इसके द्वारा मेरा कार्य हो जाएगा, तो चाहे वे पावर उनके पास नहीं है, हेड भी नहीं है, फिर भी देखो मैं दुर्योधन की औलादों की बात कर रहा हूं। हाँ, तुम्हें खोजना था कि ये डिपार्टमेंट किसका है और उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, वह सब मेरी डायरी में लिखा है, पहली डायरी में, ग्रीन डायरी में, वहां लिखा है, पर तुम वह नहीं देखोगे, तुम्हें तो बस मेरा कार्य कैसे होना है उसके पास जाना है। दुर्योधन का भी ऐसा ही था। सी इन 5000 ईयर नथिंग हैज चेंज्ड, चाहे कंप्यूटर्स और भले ही आ गए हों, एरोप्लेन्स भले ही आ गए हों, पर जीव का मोह और जीव की आकांक्षा वही की वही रही है। सी नथिंग, यू डू नीड सद्गुरु टू फ्री यू फ्रॉम दी शैकल्स ऑफ दिस बॉन्डेज। तो क्यों गया? उसे पता था कि भीष्म इज पार्शियल टुवर्ड्स पांडव्स। तो मैं ये समझ में, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूं तो समझ में आता है ना, समझ में आता है ना, या समझ में आता है या नहीं, मैं भी नहीं समझता, क्योंकि ये सब वर्ल्ड वाइड होता है, तो उनकी विनती थी कि मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूं, इतना ही बस। समझ में आता है? ठीक है। तो भीष्म इज पार्शल टुवर्ड्स पांडवास, दुर्योधन को पता था कि उनके पास जाने से थोड़ा उपदेश ही मिलेगा, मेरा तो कुछ सुनेंगे नहीं, ही इज द ग्रैंड फादर, दादाजी हैं, अतः ज्यादा तो अभिनय होगा नहीं, जैसे द्रोणाचार्य की लेफ्ट राइट ले सकते उतनी तो दादाजी की नहीं ले सकते, प्लस वे कुछ ना कुछ तो सलाह देंगे कि अरे दुर्योधन अभी भी समझ, ऐसा कुछ ना कुछ तो कहेंगे, अतः वहां जाने का मन नहीं हुआ, किससे सलाह लेने हेतु जाना अच्छा लगेगा। सी देखो, अब इस पूरे अंतिम अध्याय में पूरा आंतरिक मैदान और आंतरिक युद्ध के बारे में हम सोचेंगे और नमो अर्यंतारण के साथ उसका क्या संबंध है वह चर्चा होगी, तब ये सब बातें तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगी, अभी तो मात्र उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका सिनेरियो खाली समझ लो। देखो, द्रोणाचार्य के पास जाने के उसके दो पर्पस थे, एक तो द्रोणाचार्य वॉज अ लिटिल लेस स्ट्रिक्ट पर्सन, इसलिए उसके पास थोड़ा बहुत आश्वासन मिलेगा, अरे तुम घबराते क्यों हो, इन सबको तो मैंने ही ट्रेन किया है ना, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं तुम्हारी जीत के लिए, ऐसा कुछ आश्वासन मिले, आश्वासन यानी कॉन्सोलेशन, और इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड यू सी द प्लाइट ऑफ, दुर्योधन का विषाद योग नहीं कहा पर अर्जुन का विषाद योग कहा है, पर दुर्योधन भी विषाद युग तो है, पर वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका योग नहीं हुआ, वे कृष्ण के विरोध में गए उसका दुख था,